तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विवेक हियर फ्रॉम यूके ब्लॉग्स और मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ एक दूसरा वीडियो जो कि है फुली लोडेड हेलमेट के ऊपर। गाइस, बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे ये कहा था, ये कमेंट किया था कि विवेक भाई आपने अलग अलग से एक्सेसरीज तो ले लिए हैं, आपने कैमरा भी ले लिया है, आपने आपने अपने लिए V600 भी ले लिया है, तो आप एक बार ही उसको इंस्टॉल करके हमें दिखाइए ताकि आपका हेलमेट कैसे दिखता है। आपने हेलमेट भी अलग से ले लिया है ऑब्वियसली, तो अलग अलग हैं सब कुछ, एक्सेसरीज को एक बार ही क्लब करके दिखाइए हेलमेट दिखता कैसे। तो गाइस, फिर फटाफट वीडियो पे ले चलते हैं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को लंबा भी नहीं खींचेंगे, चलो फटाफट। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपने ये SG Cam 4000 देखा था मेरी एक्सेसरीज में, ये इसका ही एक पार्ट है, ये V600 का इंटरकॉम सेट जो मैंने वीडियो इससे पहले भी बनाया है। और उसके बाद जो मैंने ये एक्सेसरीज जो इसके साथ ऑर्डर करी हैं, इसको इंस्टॉल करने के लिए जो लोग मोस्टली यूज़ करते हैं वो होता है एक ये डबल टेप जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, दूसरा लोग यूज़ करते हैं MC। तो मैं प्रेफर करूँगा MC यूज़ करना, बिकॉज़ मैंने इसमें इस हेलमेट के ऊपर MC ही यूज़ किया है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये दो एडेसिव मिलते हैं इस SG 4000 कैम के साथ, और ये हम यूज़ करते हैं इसके ऊपर। मैं दिखा देता हूँ, ये टू वेज होता है, यहाँ से भी पील कर सकते हैं और यहाँ से भी पील कर सकते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये दो ब्रैकेट्स। इन दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक होता है आपके ट्राईपॉड के लिए जिसके बीच में नेट लगा हुआ है, ये हमारे किसी काम का नहीं है फ़िलहाल। ये है जो हाफ कर्व होता है जिसमें एडेसिव यहाँ पे भी लगा हुआ है, इसको पील करके आप हेलमेट के चिन पर माउंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज मेरे पास ये ऑलरेडी एक था, तो मैंने वो ऑलरेडी इसमें माउंट किया हुआ है। आई शो यू कि मैंने कैसे इसमें माउंट किया है। गाइज, ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये माउंट कर दिया है इस पे। सबसे पहले मैंने नीचे यही था एडेसिव था, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स किया, उसके बाद इसके साइड पे मैंने MC लगाया है, जस्ट टू बी श्योर कि आपका कैमरा कहीं गिरे ना। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर MC ही लगाएं, तो मैंने इसी MC को लगाया है गाइस यहाँ पर, ताकि इसकी पकड़ थोड़ा मजबूत रहे। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ब्लैक टेप लगाया है इसके चारों ओर से, ताकि इसकी पकड़ मजबूत रहे, ये कहीं जाए ना, कहीं गिरे ना। ठीक है गाइस, दूसरी बात करते हैं आपके कैमरे को माउंट करने के लिए। ये जो कैमरा है गाइस, ये आपकी पैकिंग में इस J माउंट के साथ ही आता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो J माउंट है ये इसमें ऑलरेडी फिक्स होके आता है। तो मैं इसमें चाहूँगा सबसे पहले इसको आप बाहर निकालें, कैमरे को आप साइड में रखें फिलहाल, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ एक माउंट लगता है। इसमें कोई भी एक ऐसा माउंट लगेगा जो इसी लेवल पे पैरेलल इसके अंदर जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ये वाला माउंट यूज़ करते हैं तो ये माउंट इस पे कैसे लगता है, ये इस पे ऐसे लगेगा जो कि पैरेलल नहीं है। ये नेट इस तरफ है, ये नेट इस तरफ है, तो ये माउंट इस पे नहीं लगेगा। दूसरा, ये अगर इस पे जाता है तो ये इसके बिल्कुल पैरेलल आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा टाइट है ये, या तो ये ऐसे आएगा या तो इसके अपोजिट आएगा, लेकिन ये दोनों नेट इसके पैरेलल आएंगे। आपको ऐसा ही एक माउंट लेना है जो कि आपके इस नेट के पैरेलल आए। अगर आप ये वाला भी लगाते हैं तो ये वाला इसके ऐसे लगता है, ये फिर से इस तरफ आता है, ये भी आपको नहीं चाहिए। बाकी ये दो आपके ट्राईपॉड के होते हैं, ये आपके इसमें नहीं लगेंगे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसका भी आप नेट खोल देंगे, दोनों माउंट को अलग रखेंगे अपने पास,
और इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है गाइस, इसमें एक नेट बड़ा होता है, एक नेट छोटा होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पर आपका GoPro का, यानी आपका SG 4000 का जो कैम है, वहाँ पर जो नेट लगाएंगे उसके नेट के साथ आप बड़ा वाला लगाएं गाइस। क्योंकि अगर आप छोटा वाला लगाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। छोटा वाला लगाएंगे तो ये जो एरिया है ये आपका यहाँ पर अटकेगा और ये टर्न नहीं हो पाएगा। आप इसको टाइट नहीं कर पाएंगे, जितना टाइट आप इसको करना चाहते हैं उतना टाइट नहीं हो पाएगा गाइस। तो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए ये नेट ऊपर के लिए बचा के रखिए, ताकि ये यहाँ तक आएगा, इजीली आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो चलिए, आप सबसे पहले मैं इसको माउंट को इसके साथ रख दूँ। और कोशिश कीजिएगा गाइस कि ये दोनों नेट एक साथ ना रहें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये खाली पैरेलल देखने के लिए है। इसको आप कोशिश कीजिएगा अपोजिट लगाएं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आप इस पर नेट लगाएंगे, आप देख लीजिएगा एक बार कि कैमरा ऐसे सेट होगा। कोशिश कीजिएगा गाइस कि ये वाली जो क्लिप है ये ऊपर से आप नीचे की तरफ डालें। ऊपर से आप नीचे की तरफ डालेंगे तो आप इसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत रहेगी। वैसे भी अगर आप नीचे से या ऊपर से डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लॉक यहाँ पर होता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ डालूँ। तो मैं इस माउंट को कुछ इस तरह से लगाऊँगा गाइस, ये माउंट ऐसे लगेगा, देख लीजिए ये माउंट ऐसे लगेगा। तो सबसे पहले मैं इसका यहाँ पर एक नेट लगाऊँगा, यहीं नीचे जो नेट लगेगा वो छोटा वाला लगेगा गाइस। रिमेंबर, छोटा वाला इसलिए क्योंकि ऊपर आपके कैमरे के केस के साथ वो अड़े ना। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है आपका कैमरा यहाँ पे लगेगा, इसको ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे आप। गाइस ये फिट हो गया है, इस पर देख लीजिए इस तरीके से फिट हुआ है। मैं आपको इस पर अब कैमरा माउंट करके दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसको यहाँ से टाइप करेंगे गाइस। अब आपने देखा गाइस, ये जो उसका नेट है ये बिल्कुल नहीं अड़ रहा है इसके सामने, बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको एक बार एडजस्ट कर लें, इस कैमरे को एक बार अगर एडजस्ट कर लेंगे तो उसके हिसाब से बाद में इस नेट को भी टाइट कर दीजिएगा। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्का सा टाइट कीजिएगा। देखिए गाइस ये सेट हो गया, दिस इज हाउ इट लुक्स। इसके ऊपर ब्लैक टेप करना ज़रूर भूलिएगा नहीं, इसके ऊपर ब्लैक टेप करना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये आपकी कोटिंग के लिए, और आपको थोड़ा सा बुरा नहीं लगता है कि, या फिर आप कोशिश कीजिएगा ब्लैक एप्सी लगाएं। अगर आप ब्लैक लगाएं चाहे वाइट लगाएं, तो मैं ही आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर आप एक बार ब्लैक टेप की कोटिंग ज़रूर करें, ताकि ये बुरा नहीं लगता है। सो इसको रखते हैं साइड में। अब बात आती है आपकी V600। इसको जैसे मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर इसका एक क्लिप है, इसको यहाँ पे सेट करेंगे। ये यहाँ सेट हो गया गाइस, और इसके नीचे यहाँ पर आपने ये ऑक्स केबल देखी थी, ये ऑक्स केबल इसके साथ जाती है, और इसको सिंगल प्रेस कर देंगे। ये स्टार्ट हो गया है। सो ऐसा मेरा हेलमेट दिखता है एक बार एक्सेसरीज पूरा लोड होने के बाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस, इसमें बहुत मेहनत लगती है, एक वीडियो को एडिट करने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे छोटे छोटे से जो वीडियोस होते हैं। अब ये वीडियो शायद ख़त्म हो जाएंगे, अब आपको प्रॉपर मोटो ब्लॉगिंग के वीडियोस दिखेंगे, छोटे छोटे जो रूट्स होंगे या फिर जो लंबी राइड से मैं जाऊँगा, मैं आपके पास वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, और आप ऐसे ही वीडियोस को सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग दिस वीडियो।
थैंक यू। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए नीचे, और अगर आपने ये चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। नीचे एक बेल आइकन और सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे दबाओ, निचोड़ो, जो मर्जी करना है करो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बिकॉज अब ये ऐसे एक्सेसरीज और गैजेट्स के वीडियोज़ आने बंद हो जाएंगे, और अब जो वीडियो स्टार्ट होंगे वो होंगे मोटो ब्लॉगिंग के ऊपर। मेरे जो ट्रिप्स स्टार्ट होंगे वो ट्रिप्स के ऊपर होंगे, और जैसे जैसे मैं आपको राइड्स पे लेके जाऊंगा मैं आपको सारे वीडियोस आपके पास आऊंगा। एडिटिंग में बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे ये होगा कि जो भी मैं आपको नए नए वीडियो बनाऊंगा वो सारे वीडियोस आपके पास पहुंचेंगे नोटिफिकेशन के थ्रू। सो कीप लविंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूके ब्लॉग्स। जय हिंद।